हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जी एस सी यूट्यूब चैनल। तो टुडे आई विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, हम लोग आर एस सी का पार्ट कर रहे हैं, उसके आगे हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या बेटा, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी आप रेफ्रिजरेशन की साइकिल में आप रेफ्रिजरेंट को सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन करते वक्त आपके कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखना पड़ता है। उसमें तीन वे से बेटा हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तीन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर हम सिलेक्शन करते हैं, जिसमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आ जाएंगी और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएंगी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएंगी। कितने? तीन तरीके से, कि एक थर्मोडायनेमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर बेटा हम सिलेक्शन ऑफ थ्री वे क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट देखेंगे। देखो, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, क्वेश्चन देखेंगे भी हम, क्वेश्चन करेंगे तो उसको देखेंगे भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोफिजिकल क्या करते हैं देखते हैं। तो इसी साथ एक साथ देख लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोफिजिकल। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, किसकी देख रहे हैं, रेफ्रिजरेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या देखते हैं, कोई प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या देखते हैं, और कोई प्रॉपर्टीज ले लेते हैं जो भी है आपके पास, और एक तरफ ले लेते हैं उसका क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या इंक्रीज होना चाहिए, क्या डिक्रीज होना है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो देखो, इसमें क्या क्या इफेक्ट आएंगे ये देखने हैं, क्या क्या हम लेते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ये आपसे एग्जाम हमेशा कुछ अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ बेटा, फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, प्रॉपर्टी लेता हूँ रेफ्रिजरेंट की। ठीक है, किसकी बात करें, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मो, क्या है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, सर प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए इस रेफ्रिजरेंट के लिए। ठीक है, रेफ्रिजरेंट आगे में प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो जैसे मैं बालू बेटा, क्या सक्शन प्रेशर, क्या आपके पास सक्शन प्रेशर, तो सक्शन प्रेशर जो होगा आपके पास, इसकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। तो सक्शन प्रेशर बेटा क्या कहता है, ये शुड बी अबव द एटमॉस्फियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुड बी अबव द एटमॉस्फियर, शुड बी अबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए आपके पास, क्या सक्शन प्रेशर का क्या हो गया आपके पास प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूंगा डिस्चार्ज प्रेशर की, बात करूंगा किसकी बात करूंगा, डिस्चार्ज प्रेशर की बात करता हूं, तो डिस्चार्ज प्रेशर ध्यान रखना आपको, डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, डिस्चार्ज प्रेशर की बात करूंगा, तो ये जो होगी आपके पास शुड भी क्या होगी, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल एज पॉसिबल, क्या शुड भी स्मॉल, शुड भी स्मॉल होना चाहिए, यानी स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास डिस्चार्ज प्रेशर। थर्ड की बात करता हूँ बेटा प्रेशर रेशियो। ठीक है, क्या बात करता हूँ, प्रेशर रेशियो, क्या प्रेशर रेशियो रेफ्रिजरेंट का कैसा होना चाहिए, प्रेशर रेशियो, तो प्रेशर रेशियो बेटा क्या होना चाहिए, प्रेशर रेशियो होना चाहिए शुड बी लार्ज, क्या नहीं, शुड बी स्मॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड बी स्मॉल, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, स्मॉल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसा होना चाहिए, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करूँगा, तो देखो यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बेटा ये शुड बी लार्ज एज पॉसिबल, तो आपके पास क्या लेना पड़ेगा, इसको लार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो इसमें भी वही है, आपके पास प्रॉपर्टी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं, और प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो मैं देखो इसमें क्या क्या आते हैं आपके पास, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक इंडेक्स, क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक इंडेक्स, आइसेंट्रोपिक इंडेक्स बेटा, आइसेंट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए हमेशा, वो छोटा होना चाहिए, यानी स्मॉल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, आइसेंट्रोपिक की वैल्यू कैसा होना चाहिए, स्मॉल एज पॉसिबल। आगे देखते हैं हम लोग, अभी कितने हो गए थे आपसे, ये हो गए थे आपके पास 4 हो गए थे, ये था आपका 5 और ये हो जाएगा 6। 6 देखते हैं क्या होना चाहिए आपके पास, देखो आगे आपके पास लिक्विड की स्पेसिफिक हीट,
ठीक है, एक वेपर का मिलेगा और एक लिक्विड, दोनों का मिलेगा। तो हम लिक्विड का देख रहे हैं पहले। तो यहाँ से देखो, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लिक्विड का स्पेसिफिक हीट, और एक होता है आपके पास वेपर का स्पेसिफिक हीट, ठीक है, दोनों। तो लिक्विड का बेटा जो मैं स्पेसिफिक हीट होता है वो स्मॉल होना चाहिए, वेपर का लार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए, लेकिन वेपर क्या होगा आपके पास? लार्ज। ये दोनों वैल्यू याद रखेंगे आप, क्या करेंगे, स्टार लगा लो आप, दोनों वैल्यू याद रखेंगे। स्पेसिफिक हीट नहीं है, लिक्विड का पूछेगा या तो वेपर का पूछेगा, क्वेश्चन भूलेगा वो, ठीक है। अगर नेक्स्ट मैं बोलता हूँ आगे कौन सा आपके पास, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये बेटा सबसे लार्ज है, यानी लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए। तो लार्ज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा लार्ज एज पॉसिबल। अगर विस्कोसिटी की बात करूंगा बेटा, तो विस्कोसिटी कैसी होगी आपके पास? विस्कोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। विस्कोसिटी कैसा होना चाहिए वो बेटा? क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, विस्कोसिटी हो गया। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूंगा, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूंगा, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूंगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर बार बार पूछा जाता है इतना एग्जाम में, ठीक है। विस्कोसिटी भी बार बार पूछा जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी बार पूछा जाता है। तो ये क्या होना चाहिए आपके पास? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कैसा होना चाहिए? दोनों कम होना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक होता है आपके पास, फ्रीजिंग पॉइंट और एक क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये दोनों कैसा होना चाहिए बेटा? ये आपको दोनों क्या होना चाहिए? ये हमेशा क्या होना है? शुड बी लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड बी लो होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट था। बाकी मैं बात करूँ हाई लेटेंट हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कैसा होना चाहिए आपके पास? आप यहाँ पे देख लो, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट देखो क्या होना चाहिए आपके पास? हाई होना चाहिए। और क्या है, एक और है आपके पास, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मैं बोलूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, तो वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वो लो होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी? ये भी रख लो इंपॉर्टेंट, ये भी है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार 4 स्टार लगा लो, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कभी कभी पूछ देता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी को आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। जनरली मैक्सिमम चीज़ें हाई लेते हैं, लेकिन क्या क्या कम लेते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। कम क्या लेते हैं, देखो कम क्या क्या लेते हैं वो देखना पड़ेगा। देखो आपको कम क्या क्या लेते हैं बेटा, था प्रेशर रेशियो बेटा क्या रखना पड़ेगा, आपको कम रखना पड़ेगा, एक याद ये हो जाएगा कम क्या रखना है आपको पास। और लिक्विड का बेटा स्पेसिफिक हीट बेटा वो क्या है, कम रखना पड़ेगा। बाकी क्या है, विस्कोसिटी कम रखना पड़ेगा, सब कुछ हाई रखना है, लेकिन क्या कम रहेगा याद रखिएगा, कम आपको रख रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर कम रख रहे हैं, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा ये भी क्या रख रहे हैं, कम रख रहे हैं। बाकी सभी क्या आपके पास हाई मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें कम वाले याद रख लीजिए, बाकी सब चीज़ें क्या हैं, हाई हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लीक क्या डिटेक्शन टेस्ट। अभी देखो इस पर क्वेश्चन कराएंगे, इसका अभी कराएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब बताते हैं लीक डिटेक्शन टेस्ट, ये थर्मो क्या है, थर्मो फिजिकल क्या है आपका प्रॉपर्टी है, ये थर्मो फिजिकल आता है, थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है ये, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, लीक डिटेक्शन टेस्ट। तो ये आपके पास टेस्ट जितने भी करेंगे बेटा ये याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं लीक डिटेक्शन टेस्ट से। देखो आपके पास बोलूं बेटा, एक होता है फ्रियॉन लीक्स, क्या होता है फ्रियॉन लीक्स होता है यहां पर। अगर मैं बोलूं फ्रियॉन बेटा क्या आपके पास, एक फ्रियॉन है वो लीक कर रहा है, ठीक है,
या इसे क्या बोलेंगे, इस फ्रियॉन लीक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे हम लोग इसमें, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लीक। क्या बोलेंगे इसे, फ्रियॉन को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लीक, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लीक। ठीक है, तो फ्रियॉन लीक हो रही है या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लीक हो रही है उसके बोल सकते हैं। तो इसे डिटेक्ट कौन करता है, हैलाइड टॉर्च टेस्ट करता है इसे, डिटेक्टेड बाई, यानी कि डिटेक्ट कौन करता है, डिटेक्टेड बाई कौन करता है आपके पास, हैलाइड टॉर्च टेस्ट। याद रखेंगे फ्रियॉन लीक को कौन करता है, हैलाइड टॉर्च डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसका जो कलर होता है ना, इसमें जो कलर होता है हैलाइड का चेंज होता है किस में होता है, ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन में। जो कलर आपका चेंज होता है किससे होता है, एक ब्लू से है आपके पास, ठीक है, एक होता है ब्लूइश ग्रीन, तो इसके बाद चेंज होता है आपके पास ब्लूइश, हैलाइड का क्या कलर चेंज होता है, ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, यहां पर लिख लो हैलाइड कलर चेंज, हैलाइड कलर चेंज किससे किससे होता है, ब्लू से ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा आपके पास, हैलाइड टॉर्च टेस्ट यानी फ्रियॉन लीक डिटेक्शन हो जाएगा। तो आपसे कभी पूछे फ्रियॉन लीक डिटेक्शन बेटा किससे से होता है, आप डिटेक्ट करता है, तो आप बोलोगे हैलाइड। एक क्वेश्चन यहां बनेगा, जो फ्रियॉन लीक्स में होता है कौन डिटेक्ट करता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा हैलाइड टॉर्च टेस्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हैलाइड टॉर्च का कलर किसमें चेंज होता है, तो आप क्या बोलोगे, ब्लू से और ब्लूइश ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में पूछे गए हैं। दूसरा बेटा टेस्ट है आपके पास, दूसरा टेस्ट है सॉप बबल, सॉप बबल मेथड, सॉप बबल मेथड, सोप एस ओ ए पी, सोप बबल मेथड। यह डिटेक्ट कौन करता है, तो इसमें लिख दो डिटेक्टेड बाई, डिटेक्ट कौन करता है, सॉप बबल मेथड डिटेक्टेड बाई कौन करता है आपका, यह करता है प्रोपेन, कौन करता है, प्रोपेन। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया प्रोपेन। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास टेस्ट आता है आपके पास अमोनिया, क्या होता है आपके पास अमोनिया, अमोनिया टेस्ट का बेटा डिटेक्ट करते हैं, अमोनिया लीक को डिटेक्ट करता है, अमोनिया लीक इसे डिटेक्ट कौन करता है, देखो डिटेक्टेड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। ठीक है, ये बेटा अगेन एंड अगेन इसमें लग लो स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार, अमोनिया लीक डिटेक्टेड बाई कौन करता है, वो ये करता है बेटा सल्फर स्टिक मेथड, कौन करता है, सल्फर स्टिक मेथड। तो सल्फर स्टिक मेथड अमोनिया को लीक को डिटेक्ट करता है। ओके, तो इसमें बेटा कैसा होता है, अमोनिया जो प्रेजेंस था वाइड फ्यूम ऑफ अमोनिया सल्फाइड इज फॉर्म सल्फर टॉर्च। तो क्या होता है, चलो इसको इतने रखो क्योंकि सल्फर क्या है, सल्फर स्टिक मेथड से हम क्या करते हैं, अमोनिया को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्या आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड ये लीक डिटेक्ट कौन करता है, इसको भी कोई डिटेक्ट करता है, इसे डिटेक्ट क्या करता है, डिटेक्टेड बाई ये हो जाता है अमोनिया स्वैब मेथड, क्या है अमोनिया स्वैब मेथड, इसे लिख लो अमोनिया स्वैब मेथड, अमोनिया स्वैब मेथड बेटा इसे डिटेक्ट करता है आपके पास टेस्ट। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये हो गई आपके पास फिजिकल थर्मोफिजिकल, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएंगी आपके पास, क्या केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएंगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पूछे आते हैं, पहला कि टॉक्सिसिटी, क्या टॉक्सिसिटी होता है क्या ये, तो हमारा रिप्रेजेंट कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड बी नॉन टॉक्सिक। लेकिन बेटा अमोनिया जो होता है ना वो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक का मतलब ये हो गया कि बहुत ही क्या हो गया, जहरीला। ठीक है, तो हमारा रिप्रेजेंट क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, पर अमोनिया बेटा क्या होता है आपके पास, टॉक्सिक होता है। तो यहां से भी क्या होता है, क्वेश्चन बना हुआ है,
ठीक है, यहाँ से भी क्या होता है क्वेश्चन बना हुआ है। और रेफ्रिजरेंट की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो फ्लेमेबिलिटी की बात करूंगा, कैसा होना चाहिए, क्या फ्लेमेबल होना चाहिए रेफ्रिजरेंट हमारा। तो क्या फ्लेमेबल होता है ये बेटा, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन। तो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, वो एक्शन विथ ऑयल होता है, क्या था, एक्शन विथ ऑयल, एक्शन विथ ऑयल। तो ऑयल से बेटा क्या क्या रिप्रेजेंट, हमारे जब ऑयल से मिक्स कराते हैं तो क्या क्या रिप्रेजेंट आता है, क्या क्या इफेक्ट आता है, ये देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ रिप्रेजेंट आर इलेवन हो गया, आर ट्वेल्व हो गया, आर ट्वेंटी टू हो गया, तो हमारे पास तीन रेफ्रिजरेंट हो जाएंगे, आर इलेवन, आर ट्वेल्व, आर ट्वेंटी टू। तो इन दोनों का रिएक्शन क्या, ऑयल से क्या मिक्स हो रहा है, कौन मिक्स नहीं रहा है, कौन इमिसिबल है, कौन मिसिबल है, और कौन पार्शली मिसिबल है कौन, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ पर। देखो अगर मैं ले दूँ पहले बेटा, क्या लूँ, कोई रेफ्रिजरेंट लेता हूँ, रेफ्रिजरेंट लेता हूँ और फुल्ली मिसिबल ऑयल होता है, जैसे मैं बोलूँ कोई रेफ्रिजरेंट ले लिया, मान लो कोई रेफ्रिजरेंट मैंने आर ले लिया कि मैं ऑयल से मिसिबल करा रहा हूँ, तो अगर वो फुल्ली मिसिबल हो गया, क्या हो गया, फुल्ली क्या हो गया, मिसिबल हो गया, कैसा हो जाएगा, फुल्ली मिसिबल हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फुल्ली मिसिबल हो जाएगा रेफ्रिजरेंट से, तो विथ ऑयल क्या हो जाएगा, विथ ऑयल। तो वो कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं बेटा, कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं वो आपसे पूछा जाता है यहां से। तो वो होता है आपके पास आर इलेवन, आर इलेवन, ठीक है, और क्या होता है आर ट्वेल्व। ये जो होते हैं क्या होते हैं, फुल्ली क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं, पानी में बेटा क्या हो जाए, ऑयल में क्या हो जाएंगे, दोनों घुल जाएंगे। ये रिप्रेजेंट जो होंगे आपके पास आर इलेवन और आर ट्वेल्व, वो ऑयल में क्या हो जाएंगे, फुल्ली मिसिबल, यानी पानी में क्या, पानी नहीं, ऑयल में क्या हो जाएंगे बेटा, ये पूरी तरह से घुल जाएंगे, ठीक है। ऑयल और रेफ्रिजरेंट लेंगे, दोनों क्या करें, मिक्स करेंगे तो वो मिसिबल हो जाएंगे, पानी पिया हुए आपको अलग अलग दिखेंगे, सभी एक तरह दिखेंगे। एक होता है इमिसिबल, रेफ्रिजरेंट ले लिया मैंने, वो फुल्ली इमिसिबल, मतलब कि एकदम इमिसिबल, मतलब मिलेगा ही नहीं, तो हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं इमिसिबल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, विथ ऑयल। तो वो रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होंगे आपके पास, एक होता है बेटा अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, फुल्ली इमिसिबल होता है, एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या हो जाएगा आपके पास, फुल्ली इमिसिबल हो जाएंगे। लेकिन कुछ रेफ्रिजरेंट होते हैं जो पार्शली क्या होते हैं, कुछ पार्शली मिसिबल होते हैं, ठीक है। जैसे आर क्या हो गया आपके पास, मैं बोलूं बेटा कुछ पार्शली क्या होंगे, पार्शली मिसिबल होंगे, क्या होंगे, मिसिबल होंगे विथ ऑयल, बहुत ही घातक होते हैं ये, ठीक है, बहुत ही खराब होते हैं, क्योंकि पार्शली मिसिबल हो जाते हैं विथ ऑयल। तो ये कौन कौन से रिप्रेजेंट हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा R22, कौन कौन से हैं ये याद रखना, R22 बेटा क्या हो जाएगा, ये सही पार्शली मिसिबल हो जाएंगे। अगर पार्शली मिसिबल बेटा तो क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये यहाँ पर बहुत ही क्या होगा, यहाँ पर ये इफेक्ट करेगा हमारा कितने सिस्टम पे, क्योंकि पार्शली मिसिबल है ना ये। अगर फुल्ली मिसिबल हो, अगर फुल्ली मिसिबल लेता हूँ, कोई भी फुल्ली मिसिबल लेता हूँ या फुल्ली इमिसिबल लेता हूँ, तो हमारे जो सिस्टम रेफ्रिजरेंट सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं पार्शली इमिसिबल ऑयल ले लेता हूँ जिसमें ऑयल में है, तो बेटा ये चोकिंग वगैरह क्या करेगा, क्रिएट कर देगा उस सिस्टम में, चोकिंग हो जाएगा उसका, तो चोकिंग वगैरह क्या हो जाएगा वहाँ पर, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट क्या करता है यहाँ पर, देखो क्रिएट क्या करता है, ये क्रिएट चोकिंग प्रॉब्लम, चोकिंग प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है हमारा, किसमें, आर ट्वेंटी टू करता है, चोकिंग प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो आयल सेपरेटर और इंस्टॉलर कहाँ का यूज करते हैं हम लोग, कंप्रेसर और कंडेंसर में। तो आयल सेपरेटर यूज करते हैं इसके लिए, क्या करते हैं, ऑयल सेपरेटर यूज करते हैं। तो आयल सेपरेटर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कंप्रेसर, इन बिटवीन, इन बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर के बीच में हम लोग यूज करते हैं, ऑयल सेपरेटर पर काम यूज करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपके पास इन बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर के बीच में ऑयल सेपरेशन यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये आपके पास हो गई, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, इससे आप रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं हम लोग सभी। क्या टेस्ट वगैरह देख हम लोग देख लिया है और कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या लिख दे रहा हूँ? रिमेम्बरिंग पॉइंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो रिमेम्बरिंग पॉइंट जो है बेटा वहाँ से मैं नोट से लिख देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं। तो ये वैल्यू आप क्या करेंगे, इसको रिमेम्बर करिए, रिमेम्बरिंग पॉइंट में लिख देता हूँ। रिमेम्बरिंग पॉइंट में क्या क्या आता है जैसे मैं लिखवा देता हूँ आपसे, ठीक है। जैसे बेटा क्या कर रहा हूँ, आर ट्वेल्व की बात करूंगा मैं। आर ट्वेल्व बेटा क्या रिप्लेस हो गया, ये किससे रिप्लेस हो गया? आर थर्टी फोर से, 134 से रिप्लेस बाई, रिप्लेस बाई आर 134 ए, ठीक है। इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन क्या हो गया? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। और क्या था? ऑटोमोबाइल एसी में, ऑटोमोबाइल एसी जो हमारे कार वगैरह में एसी में बेटा क्या अब रिप्लेस कर दिया वो आर ट्वेल्व को, कौन? आर 134। एक ये पॉइंट याद रख रखिए। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अमोनिया बेटा जो होता है आपके पास मोर टॉक्सिक होता है। क्या होता है? मोर टॉक्सिक होता है। तो क्या करते हैं इसे बेटा, इसमें कॉपर पाइप नॉट यूज हम लोग, कॉपर पाइप क्या करेंगे? कॉपर पाइप नॉट यूज, तो कॉपर पाइप इसमें क्या करेंगे हम लोग? यूज नहीं करेंगे। एक पॉइंट और याद रखिए कि आर ट्वेल्व जो होता है बेटा ये प्रीफर करते हैं, किस पे करते हैं? प्रीफर करते हैं ओवर, प्रीफर ओवर आर 22, ठीक है। आर ट्वेल्व प्रीफर ओवर आर 22 क्यों करते हैं? इन डीप फ्रीजर, इन डीप फ्रीजर में किसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीज करनी होगी तो वहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं आर ट्वेल्व प्रीफर क्यों करते हैं आर ट्वेल्व से? क्योंकि आर 22 बेटा इमिसिबल होता है, पार्सल इमिसिबल होता है। बिकॉज लिख लो यहाँ पर, बिकॉज क्वेश्चन आया हुआ है हर जगह, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज आर 22, बिकॉज आर 22 ये इमिसिबल क्या होता है? मिसिबल विथ ऑयल वेरी लार्ज इन टेम्परेचर, बिकॉज इट इज पार्सली, पार्शियली मिसिबल विथ ऑयल, ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद रखिए और पॉइंट कुछ याद रख लेते हैं जो मोस्ट है, जो आर ट्वेल्व बेटा ये मोस्ट कॉस्टली होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। मोस्ट कॉस्टली रिप्रेजेंट कौन सा होता है, ठीक है? तो कौन सा हो जाएगा आपके पास? मोस्टली कॉस्टली होता है आपके पास, ये होता है आर ट्वेल्व। आपसे पूछे अमोनिया के बारे में पूछा जाए तो अमोनिया में क्या करेक्टरिस्टिक होता है? ये इसके पास हैव हैव मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है? लेटेंट हीट होता है इसके पास। सबसे ज़्यादा लेटेंट हीट किसके पास होता है? वो इसके पास होता है अमोनिया के पास, ठीक है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँगा तो इसका भी है, तो इज यूज, जिसको इसको यूज करते हैं लिस्ट, इज यूज लिस्ट, ठीक है, दोज डेज, मतलब इस समय बेटा बहुत ही कम यूज करते हैं सबसे, मतलब कि ये क्या आइसोलेट हो गया है। तो आइसोलेटेड मैं पूछूं रिप्रेजेंट कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट है, ठीक है। आर ट्वेंटी टू, आर ट्वेंटी टू बेटा क्या होता है इसमें? इसे हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है आपके पास? हैविंग, हैविंग मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपके पास ये हो जाएगा मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से भी हो गया आपके पास, आपके पास बोलो बेटा, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, कितना होता है? -78.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -73.8 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है आपके पास। माइनस क्या होता है आपके पास? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है -78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गई आपके पास। अब कुछ बेटा क्या आते हैं, एजिट्रोप पूछ दिए जाते हैं, क्या होता है एजिट्रोप, क्या होता है? तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एजिट्रोप क्या होता है, तो ये बेटा क्या करता है? बिहेव लाइक प्योर सबस्टेंस, क्या करता है? बिहेव लाइक प्योर सबस्टेंस, वही एजिट्रोप होता है। तो एजिट्रोप पूछा जाए कोई आपसे, एजिट्रोप क्या होता है, तो ये भी नाम याद रखना आपको, एजिट्रोप क्या होता है? इट बिहेव लाइक, ठीक है, इट बिहेव लाइक प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस की तरह बिहेव करता है,
ठीक है, कितना है, इसको डेजिग्नेट कैसे करते हैं, डेजिग्नेशन करके पूछ दिया बेटा, डेजिग्नेशन कैसे करते हैं, डेजिग्नेशन की बात करूँगा। ये R500 बेटा क्या होता है, ठीक है, सीरीज होता है, ये क्या होता है, सीरीज होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे मोलूम रहा R500 ये एजिट्रोप हो गया, R आपसे पूछा 501 ये भी एजिट्रोप हो गया, मतलब 500 का सीरीज में चला दूँ अगर तो क्या हो जाएगा आपके पास, एजिट्रोप हो जाएगा। आपसे मैं पूछ देगा कौन सा एजिट्रोप है, अगर 500 का सीरीज के आप देखोगे तो वो हो जाएगा आपके पास एजिट्रोप, ठीक है। R507 क्या हो जाएगा, एजिट्रोप हो जाएगा। तो ये सब 500 का सीरीज बेटा क्या होता है, एजिट्रोप होता है। यहाँ से आप बिल्कुल क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। तो एजिट्रोप्स हो गया आपके पास, प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस क्या होता है आपके पास, केमिकल कंपोजिशन फॉर्मूला बेटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वहाँ पर केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए, वो आपके पास क्या हो जाएंगे। चलो कुछ क्वेश्चन है आपसे, कुछ क्वेश्चन है आपसे। अब आपसे पूछा गया अ गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, जो गुड रेफ्रिजरेंट होना चाहिए कैसा हो जाएगा, क्या लार्ज लेटेंट हीट होना, वेपराइजेशन होना चाहिए एंड लो ऑपरेटिंग प्रेशर होना चाहिए। आपको अगर मैं बताऊं तो लेटेंट हीट बेटा क्या है आपका, वेपराइजेशन का बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, यस यही होना चाहिए। लेटेंट हीट वेपराइजेशन बेटा क्या था आपका, ज़्यादा था। और लो ऑपरेटिंग प्रेशर, प्रेशर जो ऑपरेटिंग प्रेशर कितना था आपके पास, कम था। तो ये आपके पास कौन सा, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएंगे, जो आप एक एक पढ़ेंगे चीज़ें बन जाएंगे, क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, एक एक अगर पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग तो क्वेश्चन बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए इसका, डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर रेफ्रिजरेंट इंक्लूड, तो वही डिजायरेबल प्रॉपर्टी निकालना है रेफ्रिजरेंट का कौन सा होगा, क्या हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए एंड लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए या लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए सही है, क्या हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, तो स्पेसिफिक हीट जहाँ होती थी बेटा लो होती थी, क्या होती थी, स्पेसिफिक हीट जो होती थी आपके पास लो लेते थे, यहाँ पर लो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड लो लेटेंट हीट होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। देखो हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट तो हाई होना चाहिए, लेकिन लेटेंट हीट जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर यह भी गलत हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी क्या हाई होना चाहिए, यस थर्मल कंडक्टिविटी, मैंने स्टार लगा बेटा ये हमेशा पूछता रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, यस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये सत्य ये हो जाएगा। देखो क्वेश्चन जो बता रखा था हम लोगों ने, ये आपके पास कुछ है, तो देखो क्या था आपके पास, लेटेंट हीट वेपराइजेशन बेटा क्या ना, हाई हाई होना चाहिए, और अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो ये हाई होना चाहिए, और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, शुड बी लो होना चाहिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, शुड बी लो होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, तो सभी आपके क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बेटा कल से भी क्वेश्चन है, तो क्या पढ़ा था, कन्वेंशनल रेफ्रिजरेंट विच ऑफ द एलिमेंट्स बेटा क्या है इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन, ओजोन के लिए डिप्लेशन कौन सा है, तो इसमें देखो क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन। तो मैंने बताया बेटा क्लोरीन की टर्म बेटा, कोई भी आपके पास क्लोरीन एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है ओजोन लेयर पर डिप्लेट करता है, ठीक है। ओजोन लेयर पर क्या करता है, एक क्या करता है डिप्लेट करता है, मतलब इसकी क्या है जितनी इसकी परत होती है बेटा इसको क्या करता है मिनिमाइज करता है, यानी होल प्रदान कर देता है इसमें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पर अगर बात करूँ तो फ्लोरीन हो सकता है, लेकिन जब तक क्लोरीन दिया है तो फ्लोरीन को टिक नहीं करेंगे, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा आपके पास, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज एडवाइज अगेंस्ट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब CFC की बात हो रही है, ठीक है, अगेंस्ट है रेफ्रिजरेंट बिकॉज दीज रिएक्ट विथ, तो CFC क्यों करते हैं इसको, मना कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, क्यों मना कर दिया कि CFC को कम यूज करिए, क्यों करिए, क्योंकि ये बेटा ओजोन लेयर कॉज डिप्लेशन करता है, क्या करता है ओजोन लेयर को क्या करता है, CFC जो होता है इसमें देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन का बेटा क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, क्लोरीन और फ्लोरीन का क्या होता है और कार्बन का कॉम्बिनेशन है, तो क्लोरीन इसमें एटम बेटा क्या ओजोन लेयर डिप्लेशन कर देगा, तो ओजोन लेयर बेटा क्या इसमें काज कर देगा, इसलिए क्या करते हैं बिखरते हैं। देखो इट इज नॉट कॉज ऑफ डिसकरेजमेंट ऑफ द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट एंड एयर, तो क्यों मतलब डिसकरेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्यों देयर ओजोन लेयर डिप्लेशन ग्लोबल वार्मिंग
their tendency to migrate to upper atmosphere by molecular diffusion, their toxicity and non-availability. तो अब क्या है, कौन सा इसमें डिसकरेजमेंट है, इसमें लिखा नॉट, दिस इज द नॉट ए डिसकरेजमेंट. तो मतलब इसमें देखो, ये भी अगर मैं सीएफसी का यूज करूँ तो ये भी हो जाता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है इसमें, और एटमॉस्फियर का बेटा क्या होगा, लेयर वगैरह डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे. पर इसमें नॉट पूछा है तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा देयर टॉक्सिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. सेलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट फॉर ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो टॉक्सिटी को देखते हैं, सही बात, इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखते हैं, सेचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन देखते हैं, वो भी देखते हैं. तो सभी क्वेश्चन बड़ा सभी पैरामीटर देख के हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे रेफ्रिजरेंट का. आगे देखते हैं, वेयर इज एन एयर रेफ्रिजरेंट साइकिल जनरली एम्प्लॉयड. तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बेटा कहाँ पे यूज करते थे, याद है हम लोग ने जब एयर बेटा क्या करते थे, रेफ्रिजरेंट क्या लेते थे, एयर लेते थे. रेफ्रिजरेंट क्या लेते थे हम लोग, एयर लेते थे. तो हम लोग क्या करते थे, हमारे एयरक्राफ्ट में यूज होता था और गैस लिक्विफिकेशन में यूज करते थे. तो एयरक्राफ्ट और किस में करते बेटा, गैस लिक्विफिकेशन में करते थे, गैस लिक्विफिकेशन में करते थे. तो यहाँ पे देखो एयरक्राफ्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, गैस लिक्विफिकेशन में करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आंसर. ठीक है. इन मिल्क चिलिंग प्लांट द यूजुअल सेकेंडरी एज रेफ्रिजरेंट इज. मिल्क चिलिंग में बेटा किस में करते हैं हम लोग, किस में लेते हैं बेटा, सेकेंडरी एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ब्राइन हो जाएगा. क्या होता है, मिल्क चिलिंग में आपके यूज करेंगे बेटा ब्राइन, क्या करेंगे ब्राइन करते थे, ये भी पढ़ा रखा है. ठीक है. अब देखो व्हाट इज एजियोट्रोप. एजियोट्रोप अभी बताया था क्या होता है, ये कंपोजिशन कितना होता है बेटा, ये बिहेव लाइक ए प्योर सबस्टेंस. प्योर सबस्टेंस क्या होता है, मिक्सर ऑफ रेफ्रिजरेंट विदाउट फेज सेपरेशन. तो ये हो जाएगा आपके पास प्योर सबस्टेंस, मिक्सर ऑफ रेफ्रिजरेंट विदाउट फेज सेपरेशन, ये हो जाएगा. ठीक है. फेज वही होना चाहिए, लिक्विड है तो लिक्विड होना चाहिए, वेपर है तो वेपर होना चाहिए. द लीकेज इन फ्रियॉन बेस्ड रेफ्रिजरेशन. देखो फ्रियॉन गैस का बेटा लीकेज हो रहा है ना, लीकिंग, या हम बताया था लीकिंग टेस्ट कराया था. तो फ्रियॉन बेस्ड लीकिंग टेस्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड बाई, कौन करता था, हैलाइड टॉर्च करता था. कौन सा, हैलाइड टॉर्च करता था आपके पास, ऐसे भी क्वेश्चन देखो दिया है. ठीक है. तो अभी देखो मैं कराया था ना यहाँ पर, देखो आप सबके अलग अलग जो टेस्ट कराए थे मैंने, कहाँ गया करा था अभी, ये लीक डिटेक्शन टेस्ट बेटा देखो यहाँ पे कराया था अभी जस्ट. तो लीक डिटेक्शन टेस्ट कौन था आपके पास, फ्रियॉन लीक डिटेक्शन कौन करता था, हैलाइड टॉर्च करता था. और दूसरा डो टेस्ट किसका है आपके पास, अब आपका सौ बबल मेथड किसको, प्रोपेन करता था, एंड अमोनिया को बेटा सल्फर स्टिक मेथड करता था, और SO2 को बेटा अमोनिया स्वयं मेथड करता था. तो ये सब चीज़ें बता क्या है, याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. चलो और देखते हैं क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन लाए हैं अच्छे. ये रहा आपके पास, द लीक इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग फ्रियॉन कैन डिटेक्ट. फ्रियॉन का गैस बेटा कौन डिटेक्ट करता है, तो इसमें देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, अ हैलाइड टॉर्च विच डिटेक्शन प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लूम फ्लेम लाइटनिंग सल्फर स्टिक विच डिटेक्ट यूजिंग रेफ्रिजरेंट. तो हैलाइड टॉर्च करता था आपका फ्रियॉन गैसेस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए. तो कितने अच्छे हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रखे हैं. ड्यू टू सक्शन वेपर सुपर हीटिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल कोप इंक्रीज इन केस ऑफ द रेफ्रिजरेशन. देखो अगर कोप बेटा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, कौन करता है आपके पास इन साइकिल, तो यहाँ पे देखो सबके कारण बेटा कोप इंक्रीज क्या होता है, अमोनिया का यूज करेंगे डिक्रीज होता है, R12T2 का यूज करेंगे डिक्रीज होगा, लेकिन R12 का यूज करेंगे तो कोप हमारा इंक्रीज होएगा. तो R12 बेटा क्या करता है, कोप यहाँ पर वेपर कंप्रेशन साइकिल में मैंने बढ़ा रखा था. ठीक है. R12 हमेशा क्या होता है, कोप को इंक्रीज कर देगा, यहाँ भी मैंने बता रखा था. एयर डेजिनेटेड बाई, एयर बेटा क्या होता है, एयर का मॉलिक्यूलर वेट पता है हम, बताओ इसमें 700+3 आ गया ना, 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट एयर कितना जाएगा, 29. तो 729 इसका आंसर हो जाएगा, 729 करेक्ट हो जाएगा आपके पास. ठीक है. द लीकेज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग अमोनिया इज डिटेक्टेड बाई. तो अमोनिया किससे डिटेक्ट होता था बेटा, अमोनिया हमेशा सल्फर स्टिक से डिटेक्ट होता, किससे, सल्फर स्टिक से डिटेक्ट होता था. तो यहाँ से बेटा ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं. द रेफ्रिजरेंट यूज कमर्शियली आइस प्लांट. बेटा आइस प्लांट में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो आपके पास कौन सा मिलेगा, एयर अमोनिया फ्रियॉन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, आइस प्लांट वगैरह में यूज करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सी एफ सी वेयर बैंड ड्यू टू,
सीएफसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन क्यों कर दिया है, क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है, तो आपके पास ओजोन लेयर डिप्लेशन करता है और ओजोन लेयर से बेटा क्या था है? ग्लोबल वार्मिंग, तो बोथ वन टू दोनों हो जाएंगे यहाँ पे, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके पास करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, द कलर ऑफ हैलाइड टॉर्च फ्लेम इन केस ऑफ लीकेज ऑफ फ्रियान रेफ्रिजरेंट विल बी चेंज, तो फ्रियान बेटा क्या था आपके पास, ब्लू थे, ब्लू से कैसे होता था आपके ब्लू कलर से किसमें चेंज होता था, ब्लूइश ग्रीन में, किसमें थे, ब्लूइश ग्रीन में, तो ब्लूइश ग्रीन यानी ब्राइटनेस ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन में कलर में हो जाता है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे दिया है कि विच इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट, तो आइडियल रेफ्रिजरेंट में बताइए, देखो इसमें दिया है आपका राजस्थान मायर है, तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो क्या हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन होना चाहिए, सही है, स्पेसिफिक हीट ये भी होना चाहिए, क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर वेल एबव मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर ये भी होना चाहिए, तो लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो कौन सा नहीं है ये देखना है ना, तो ये देखो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ये भी होना चाहिए, अब हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट बेटा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए, तो यही गलत हो गया आपके पास, ये गलत हो जाएगा, तो ए आपके पास गलत हो गया जो नहीं होना चाहिए। केमिकल फार्मूला ऑफ फ्रियान 12, फ्रियान का मतलब हो गया R12, कितना हो गया, फ्रियान का मतलब हो गया R12, अब बताओ R12 का फार्मूला आपको पता है, तो R12 का फार्मूला लिखने के लिए हमने कल बताया था, डेजिनेशन ऑफ फार्मूला पढ़ाया था, 012 लिखिए, M के वैल्यू रखिए M-1 और यहाँ पे N+1, यहाँ पे हो जाएगा P, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से M की वैल्यू 1, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यहाँ से P की वैल्यू 2 हो जाएगी, आपने कार्बन CH FCl पढ़ा ही था, तो C की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या था, M NPQ यही था, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो कार्बन वैल्यू 1 हो गई, इसके बाद हाइड्रोजन की वैल्यू 0 हो गई, P की वैल्यू आपको दिया, ये P की वैल्यू 2 है, तो P की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 फ्लोरीन आ जाएगी, और 2 फ्लोरीन आ गया आपके पास, तो बचा क्या, 2 प्लेस बचा आपके पास, वो क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो CF2 बचेगा आपके पास, क्या बनेगा, CF2Cl2, तो CF2Cl2 देख लीजिए कहीं से मिलेगा आपको, CF2Cl2 आपको सी ऑप्शन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फार्मूला पूछतेगा, R12 इज प्रीफर ओवर R22, तो R12 क्यों प्रीफर करते हैं R12 पर, क्योंकि बेटा ये क्या होता है, ये इट इज मिसिबल विथ ऑयल ओवर द लार्ज रेंज। ठीक है, यही बताया था, अभी इतनी बार बार कराया हूँ, R12 क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये भी तो है आपके पास, क्या है, हायर कोप भी देता है और ऑपरेटिंग प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा कम होता है, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा यहाँ पर, ये याद रखना आपको। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन है क्या, कोई और क्वेश्चन है, एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी पूछना है, अनडिजायरेबल मतलब बेकार, कौन सी इसमें खराब गया, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ओहो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए ना, ये तो गलत हो गया, और लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड ये होना चाहिए, सही होना चाहिए, वेपर का हाई होना चाहिए, लिक्विड का लो होना चाहिए, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, गलत हो जाएगा, क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट और लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, तो अनडिजायरेबल आपके पास सी हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन उसी में से आए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है ना, सभी क्वेश्चन बेटा जो कराया गया उसी में से आए हैं। विच सोल्यूशन इज यूज इन आइस प्लांट, आइस प्लांट में कौन सा यूज करते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो ब्राइन ले लेंगे, तो ब्राइन ले लेंगे आपके पास। ठीक है, ऑप्शन ब्राइन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या थे आपके पास जो पढ़ाया गया आपका, इसी में से क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का पार्ट बेटा खत्म होता है, रेफ्रिजरेंट का पार्ट खत्म होता है, अब क्या बचेगा आगे देखेंगे जो चलेगा। ठीक है, रेफ्रिजरेंट का पार्ट यहाँ खत्म होगा, तो आप इसे देखो जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब इसी में से बने हैं, जितना पढ़ाया गया लगभग AJEE जितने भी क्वेश्चन आए ये सोगर क्वेश्चन में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इसी में से बने हैं। रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टी के आपको पढ़नी है, पहले याद रखना कौन कौन सा कम होता है, उसके बाद क्या क्या ज़्यादा होता है वो याद करना, और क्या बोलते हैं कि हाँ लीक डिटेक्शन टेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, और कुछ आपके पास क्या था आपके पास मिसिबल R22 वो क्या आता है, पार्सली मिसिबल चोकिंग प्रॉब्लम करता है, इसलिए प्रीफर क्या करते हैं R12 यूज करते हैं उसको R22 की जगह, क्योंकि वो मिसिबल होते हैं। ठीक है,
ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैंने डेजिग्नेशन आप क्या बताया पढ़ लेना, इसके क्लास पहले वाले क्लास में देखना आप, डेजिग्नेशन आप क्या था, सभी रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन था, R12 का, R134 का, कॉलम देता है बेटा आपसे देगा, R11 का क्या फार्मूला होता है, R12 का क्या फार्मूला होता है, R13 22 का फार्मूला, इस तरह से कॉलम में कुछ ऐसे से मिलाने के लिए देगा आपसे, कौन सा ABCD पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बराबर पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, सभी का मैंने कंपोजिशन बता रखा हूँ। सो थैंक यू सो मच, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें।